Assalamualaikum class 6. It is page number 15, exercise 1.5. Question number 2. If U is equal to universal set is equal to 10, 11, 12, 13 and so on 20, and capital A set is equal to 10, 12, 14, 16, 18, and B is equal to 10, 11, 12, 13, 14, 15, then verify the following. Bracket A union B complement is equal to A complement intersection B complement. There is two sides, left hand side and right hand side. First, we will solve left hand side, which is bracket A union B complement. अब यहाँ पर आप देखें, पहले आप ये बात देखिए, ये होता है phi, जो कि empty set है, phi prime यानी phi complement means U minus phi, U minus empty set. इसी तरह U complement means U minus U. अगर आपके पास A complement है, इसका मतलब है U minus A. B complement means U minus B. Phi complement means U minus phi. U complement means U minus U. अब यहाँ है A union B complement. First you find out A union B, then you will find out the complement of A union B. A union B is, A set is 10, 12, 14, 16, 18, union 10, 11, 12, 13, 14, 15. A union B will be all the elements, और जो common elements होंगे उनको भी आप एक ही दफा लिखेंगे. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 18. Now you will find out A union B complement. A union B complement means U minus A union B. U is the universal set. 10, 11 and so on 20. Minus A union B is 10, 11, 12, 10 to 18. 10 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स हैं A union B में. अब U minus का मतलब है डिफरेंस है यह सेट का, तो डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल आउट करेंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट सेट में हम उनको लिखेंगे. तो इसका मतलब ये है कि 10 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है और रिमेनिंग एलिमेंट्स इसमें फर्स्ट सेट में क्या होंगे, 19 एंड 20. तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में देखें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, फर्स्ट यू फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए. यूनिवर्सल सेट इज 10 टू 20 माइनस and A set is 10, 12, 14, 16 and 18. अब यहाँ पर दोबारा डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब ये कॉमन एलिमेंट को कैंसिल आउट करें और फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं आप उसको लिखेंगे. तो यहाँ पर क्या क्या रिमेनिंग होगा, अगर 10, 12, 14, 16, 18 को कैंसिल कर लें, 11, 13, 15, 17 and 19. Now you find out B complement. B complement means U minus B. U minus B is 10, 11, so on 20. Minus B set is 10, 11, 12, 13, 14 and 15. अब दोबारा आप इसका डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल आउट करें और रिमेनिंग एलिमेंट्स इसके लिए नहीं, फर्स्ट सेट खाली, फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग है वो आप लिखेंगे. तो यहाँ पर जो बचेगा होगा 16, 17, 18, 19. अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है और बी कॉम्प्लीमेंट भी. अब इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है थर्ड स्टेप में. A complement is equal to 11, 13, 15, 17, 19.
intersection 16, 17, 18, 19. अब इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, ओनली कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ ऑफ सेट्स। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर हैं 17 एंड 19। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड है भाई। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये क्योंकि आपकी इक्वेशन के मुताबिक इक्वल नहीं है, इसलिए आप इसको यहाँ पे लिखेंगे नॉट वेरीफाइड।